किया गया है, विशेष करके महिलाओं के खिलाफ यौन के अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशील है। अगर वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कोई लापरवाही बरती है तो उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जानी चाहिए और इस पूरे मामले को शासन के संज्ञान में लाएं। अगर कहीं भी कोई कमी है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने अपराध करने का काम किया है इस पूरे मामले की निष्पक्षता से विवेचना होगी और अपराधियों के खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। इसमें जो महिला है राकेश जी, पूजा कोटाल गुप्ता, उनका आरोप है कि FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है और वो आरोपी लगातार उसको थ्रेट दे रहे हैं, तेजाब फेंका गया उसके दुकान पर, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और वो पीड़िता दर दर भटक रही है। तो क्या आप इसमें ये मानते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन इसमें चूक कर रहा है? अगर कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा चूक होगी तो उन पुलिस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। अपेक्षा है कि जो प्रधानमंत्री जी की, जो मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि महिलाओं के संबंधित अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया जाए, उत्तर प्रदेश में उसके आधार पर काम किया जा रहा है। फिर भी कहीं अगर कोई शिकायत मिलती है तो शासन प्रशासन उसका संज्ञान जरूर लेगा। आपने जो खबर बताई है इसकी जरूर तस्दीक की जाएगी, जो सच है, जो तथ्य है, उनके आधार पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।